को पावन अपने हाथ से कृष्णा वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ अहो भाग्यशाली कल्याण का मूल देवी हो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सत्य धार्मिक भाइयों करो अपने मन को एकाग्र और पक्का राजा करो कि भगवान जी का कुछ ज्ञान का प्रचार लेके जाता है। आपको खुद ही मालूम हो कि कोई बात मैं लेके जा रहा हूं, खुद ही आपको महसूस हो जैसे जैसे आप खाली थैला ले जाते हैं बाजार में, आती बार आपको पता लगता है थैला भारी है, मैं कुछ लेके आई हूँ। मैं इसी प्रकार सब मेरी देवियों को और सजनों को पता लगे मैं कुछ अपने मन में रख के आया हूँ, तभी आने का ठोस लाभ होगा। और मेरी गीता जी की रात की बातें बताने का एक कल्याणकारी प्रभाव पड़ेगा। आइए मुझे मौका दीजिए और अपने आना आप सफल कीजिए, बिल्कुल एकाग्र मेरी देवी हो, बिल्कुल एकाग्र भगवान जी का गीता के माध्यम से ज्ञान क्यों हमारा कल्याण करने के लिए। हमें जो भगवान ने पैदा किया हर जीव की मांग मेरे प्रभु पूरी करते हैं। इतना करारा वचन है गीता जी के अंदर, क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए इसको क्या कमाल किया, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। कभी आप मूल शब्द पढ़े तो ये यथावाम प्रपद्यंते तान तथा ये भजामियां, किस प्रकार की भावना लेके कोई मेरे पास आता है मैं उसकी पूरी करता हूँ। क्यों, हमारे परम पिता है सृष्टि के बनाने वाले गए, उन्हें सृष्टि बनाने का शौक है। जैसे आपको शौक होता है माँ कहलाने का पिता कहलाने का और फिर शादी कर बैठती हो और खूब बच्चे बना लेती हो, भगवान को आपसे भी कई ज्यादा शौक है एक से अनेक हो जाने का, एक से अनेक। जैसे दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पहाड़े पर की छुट्टी लिया करते थे, मास्टर कहते थे बस पहाड़े पढ़ लो 10 तक फिर भाग जाओ घर। तो पहाड़े का मतलब क्या था, अंक बड़े बड़े होते जाते हैं, दो दूनी चार का दो तीन मेरा छह निकला अंक और बड़ा, दो चौके आठ बनेगा, दो पंच 10 बनेगा, अंक और बड़ा जाएगा, दो छीके 12 निकलेगा, दो सात 14 बनेगा, अंक और बड़ा। हाँ, इसलिए शौक पैदा हो जाए मैंने अपने एक बन जाना है, मैं और भी अच्छी बन जाऊंगी, मैं अपने भगवान की योग्या बन जाऊंगी। ध्यान दो ध्यान दो, ये मन में शौक पैदा कर लो तो मैंने अवश्य में इस जन्म में भगवान की योग्य हो जाना। अधिकारी से पहले आप कहा करो मैंने भगवान की योग्य हो जाना है, और भगवान की वाणी हमें योग्यता प्रदान करती है, भगवान की वाणी हमें इंसान से देवता बनाती है देवियों, और देवपुरुष भगवान की योग्य होती है। देवपुरुष में ऐसी क्वालिटीज आ जाती है जिससे भगवान जीत जाती है। देखिए 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से ये 20 श्लोक तक क्या कमाल कर दिया, ये क्या गए, ये दैवी गुण है, ये डिवाइन क्वालिटीज, इन्हीं को आपके अंतःकरण में निहार कर भगवान कह रहे हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। जैसे संसारी आदमी आपको सजा धजा देखकर, कमाने वाली देखकर, सुंदर चेहरा देखकर और बाकी कई बातें देखकर आपको बड़ा आदर देती है, भगवान भी दैवी गुणों को आपने प्यारे में देखकर बड़े रीत जाते हैं। इसके पर क्यों क्या कहीं जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे सुपर लेके टिकी लगा दी मेरे मालिक को, दे अतीव में प्रिया बड़े प्यारे गए। कौन, वैसे परमात्मा ने बनाया सारे, घर के अंदर आप देखिए बहन भाई किसने बनाए, माँ ने बनाए, लेकिन आप तो देख चुकी है, मैं भी देख के आया घर में। हाँ,
खट्टू की इतनी कदर नहीं होती। खट्टू की कदर होती है जो माँ को कर, माँ आज पहली तारीख है, जरा अपनी झोली निकाल, क्यों पुत्र आज ये मुझे आज मिली है तनख्वाह, मिली वेतन मिला है, ले माँ कितनी लाया पुत्र, माँ मैं 4,000 लाया हूँ, पुत्र मैं तो गिनती भी नहीं कर सकती, मुझे इतना ही मिला माँ ऐसा ले ले। अच्छा इसमें से सिर्फ 50 रुपए मुझे दे दे, ये भी खर्च 1 रुपया रोज में खा लेना, पर बाकी मुझे काफी है। आई वो माँ कितनी खुश होती है कमाओ बच्चे पर, और यकीन जानना मेरे सजनों मेरी देवियों, जो गीता के ज्ञान की कमाई करते हैं मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। गीता के ज्ञान को अपना बनाना, कमाई करने का मतलब वो तो रुपए कमा के लाना, चाहे बिजनेस किया जाए और चाहे हम कहीं नौकरी करें, ये क्या होता है गीता के ज्ञान को समझना, उसे अपना बना लेना, ये कमाई हुई पड़ी है अपनाना, बड़ा फर्क है। वो करना पड़ता है, 30 दिन मरना पड़ता है, कभी किसी की झाड़ मिली, कभी प्यार मिला, कभी बकअप और कभी आंखें दिखाई जाती थी दफ्तरों में, कभी वो इमीडिएट जो हमारा ऑफिसर है वो प्रसन्न होता है, ये 30 दिन गुजारने होते हैं। After that you get salary, हाँ वो तो बहुत मेरी बेटी भी कमा रही है, अप डाउन कितना होता है एक महीने के अंदर, जबकि आपको सफर भी अप डाउन करना होता है, उधर दफ्तर में भी अप डाउन, पढ़ाई में भी अप डाउन, हाँ After that you get salary, इधर तो सैलरी की बात ही नहीं, इधर तो ज्ञान भगवान ने दे रखा है। अच्छा केवल इसे अपना बना लेना है, केवल अपना, जैसे आपने शादी की, बिल्कुल किसी की बेटी तैयार थी, केवल आप स्वीकार करके लाए गए। अच्छा इस तरह की ज्ञान, इसमें अपना कल्याण, इस ज्ञान से नाना प्रकार के दुख जैसे आप खुद देख रही है काफूर हो जाती है। दुखों का कारण क्या है, मैं बार बार कह चुका हूँ और आपने बार बार पूछती है, और इतनी नई जनता आती बार बार यही पूछती है, गीता का उद्देश्य क्या है, दुखों की जड़ें काटना, कई कहते गीता का उद्देश्य त्याग का है, गलत पूछते हो आप, गीता का उद्देश्य क्या, कर्म युग है, भक्ति युग है, ज्ञान युग है, इन युगों का मतलब क्या है, दुखों की जड़ें काटना, आपका कल्याण कर देना, आपको सदा रहने वाली शांति देना। अच्छा यही तो हमारी मांग है कि जीवन के 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए गए वो बड़े शांति पूर्वक कट जाए, ये जो तो चाहती है। दादी मेरी जब उठा करती थी सवेरे, सबसे पहले वही निकलती और कुंडा खोलती मेन गेट, और मैं बताऊं क्या मंत्र बोलती थी, बाबा क्या सुख न चढ़ी, खैर दिखाई, खैर सुनाई, अभी तक मुझे याद है, ये जाता सुख न चढ़ी, हाँ खैर दिखाई तो खैर सुनाई, क्या मंत्र है मेरी दादी का याद रखना, कैसी गुड विशेष दी जा रही है वातावरण में, मैं सुख भरा देखूं, सुख भरा सुनूं, ये किससे सर्वव्यापी भगवान से प्राप्त, एवरीवन कोई भी क्यों ना हो जो होश में है सब यही चाहती है, सेंसिबल मैन, एक कॉमन मैन, ले मैन, अच्छा नॉर्मल मैन यही चाहता है 4 दिन आराम से कट जाए, बट हाउ ये भगवान जी ने सिखाया जो हम सुनने आते हैं, ये 4 दिन आराम से कटे कैसी, भगवान जी के कथन के अनुसार, याद रखना आप, मैं बार बार कहता जाऊंगा जीवन के आखिरी सांस तक भी आपकी झोली में यही डाल के चला जाऊंगा, भगवान की के अनुसार अगर हम जुट गए, दुख की सुख के चल मौजे ही मौजी है मेरी देवी, बाबा जी के अनुसार जिसने सृष्टि बनाई, जिसने हमारे माँ बाप को बनाया, माँ बाप ने हमें रचा, हाँ और माँ बाप ने हमें इतना कुर्बानियां करके पाल दिया, आटे की बोरी बना दिया, हाँ आगे ज्ञान भगवान का लेना था, बुद्धि में भगवान का ज्ञान रखना था, बस ज्ञान से बुद्धि में ज्ञान भगवान का आ गया, फिर वो इसी ज्ञान के अनुसार मन में विचार आते भगवान के, उन्हीं विचारों अनुसार हम शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म का परिणाम शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, ये 3 प्रकार का सुख मेरी देवी और सजो हम सारे चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, जिस परिवार में रहती है वह भी सुख शांति चयन हो, जिस मन में रहती है वह भी बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो, दुविधा ना हो, या आजकल का ये अजीब शब्द टेंशन ना हो, टेंशन तनाव, टेंशन
हैरान परेशान होता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अगर ये जल्दी उत्तर ना ले तो आत्महत्या कर लेता है। नारी तो खास करके आपको टेंशन बड़ी जल्दी टेंशन खत्म करनी चाहिए, बड़ी जल्दी ये इस जल्दी बीमारी में निकल जाओ, बड़ी जल्दी अपने आप को सुलझा लेना चाहिए। गॉड गीता के कृष्ण का उपदेश आपको सुलझा देता है। हाँ अगर इसको छोड़ दे और मनमानी करें तो मनमानी कार कभी कामी बनेंगे, कभी क्रोधी बनेंगे, कभी मोही बनेंगे, कभी लोभी बनेंगे, कभी हंकारी बनेंगे। ये पांच भगवान ने कैसी काली वृत्तियां बनाई है, कितनी गंदी खोटी वृत्तियां, इसका परिणाम बेचैनी, बेकरारी, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की समस्याएं। इतना हम मनमानी करेंगे तो मन में क्या होता है, या तो भगवान की भक्ति हो या भगवान का ज्ञान हो मेरी देवी, या फिर ये पांच है काम क्रोध वो लोभ अहंकार। अच्छा इसका परिणाम भगवान खुद गीता जी में कह रहे गए, गम बेहिसाब उनको दिन हो के न दिन में चैन न रात को आराम, बेचैनी से दिन कटती है। और या आकर ये पक्का राजा कीजिए जैसे भगवान जी बता रहे हैं, मैंने अब बाकी जीवन इसी तरह काट लिया, ऐसा पक्का राजा करो मेरी देवियों माताओं और मेरी अच्छी बेटियों कि जो भगवान जी कह रहे हमारे सुख की राह जो भगवान जी दिखा रहे हैं, गीता यहीं से शुरू होती है, मैं जेला हूँ मेरी मदद कीजिए जो देख रस्ता बता दी, यहीं से शुरुआत दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक बड़े कमाल से प्राप्त की गई है। भगवान जी प्रभु जिस दिन मेरी बेटरमेंट हो, जिसने मुझे चैन और करार मिले मुझे वो ही बता दू, ताकि छोटी सी जिंदगी में मैं आराम से कर। बस ये उपदेश इसलिए क्योंकि उपदेश शुरू कहां से हुआ है, मुझे बात कतई बता दीजिए भलाई की राह पर यहीं से शुरुआत है। तो आज ही भगवान आपको बताती है, मैं जरूर आपसे कहूंगा समझ लिया करो, और समझ के ये नहीं कि बुद्धि में रख लिया ना अपना, जैसे बटवा रुपया फिर बटवे में रखने योग्य है, नहीं बटवे में तो सेफ है आगे खर्च करने योग्य है, अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए होता है। या कोई गरीब आगे मैं दो बातें कहूंगा, रुपया किस लिए, अधिकारियों को दान दे के दुआएं लेने के लिए, या जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए। तीसरा कुछ है मुझे बता दो, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ होऊंगा। रुपए के दो ही ठोस लाभ है, अधिकारियों को देख के दुआएं लो बड़े खुश होते हैं और आपकी कमाई में बरकत पड़ती है। भगवान बड़े खुश होते हैं किसने अपनी कमाई का लाभ उठाया। और दूसरा जरूरियात जिंदगी में लगाओ, जो जरूरियात जिंदगी को पूरा नहीं करता वहां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आपके सर की कसम, आपके देश की कसम। जो रुपए को रुपए के लिए प्यार करता है लक्ष्मी नाराज होती है। खर्च करो बरकत पड़ेगी, खर्च कर भी बच्ची कई ऐसी कंजूस बकरी है ना बेटे, खर्च करो आपकी देवी भगवती गॉडेस ऑफ वेल्थ बड़ी खुश होती है। जरूरियात जिंदगी पूरा भगवान और देगा, मेरे मालिक और देंगे, जरूरत है खर्च नहीं करती। अपने थप्पड़ आप मारा करो, जैसे मारे हाथ को गीला करके, पानी में थाली डाल के गीला करके जोर का मारा जरा करारा लगे, आए जरूरत है कपड़े फटे हुए है दो बार आ चुका मैं सूट सिलाऊं, सिलाती क्यों नहीं, महीना हो गया कहती सलवार चल गुजारा होगा, फिर सलवार फट गई, सलवार में इतनी जान नहीं नीचे बैठती, इतनी सलवार फटना हो गया कपड़ा तेरा बोझ नहीं सहता, गंदी हूं मैं अच्छी नहीं हूं। और धोती का हाल देख, टाके लगा लाके धोती तुझे गालियां देती है, तू धागा भी गालियां देता है, चैन चली रहने देती है पार्वती, बार बार हमें निकाल लेती है और बार बार सीती है, दो भी गालियां दे रही, धागा भी गालियां दे रहा, ये कौन करते बार बार धागे निकालते कंजूस बकरी से। बच्चे इस तरह घर में बरकत नहीं पड़ेगी, जो जरूरी आपकी जिंदगी की नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है खर्च करो। आपका देश कहता है, आपके व्यास जी कहते हैं, आपकी गीता कहती है, आपका कृष्ण कहता है, करो हाथ तय उनकी पूरी तमाम मेरी हिफाजत में हो। इन्हीं को अंग्रेजों ने अपने लिख लिया, नकल मारी है हिंदुस्तान की, बहुत तरीके से वो यहाँ से लुट के ले गए। भगवान का यही फरमान उन्होंने अपने मनोविज्ञान में रखा हुआ है, स्पेंड स्पेंड एंड गॉड विल सेंड,
जोर की सारी बात है, जोर की सारी बात है ना। गीता की नकल और ले गए अपने मनोविज्ञान में, स्पेंड एंड गॉड विल, मैंने क्या कहा, गॉड विल, सुनो जरा ध्यान से, वो दोनों मेरी बच्ची तेरी मंगलवार को पैदा हुई है शनिवार को, डिपेंड अज्ञात बोलो गॉड विल, बाबा अर्थ बता दे, अर्थ बता दे, बिल्कुल वही फरमान है नामे धाय के भाई सोच लो, करू हाज से उनकी वो मेरी हिफाजत की हो चुकी, डिपेंड एंड गॉड विल सेंड, मोटा लिखा करो कॉपी पर, जब भी मन कंजूसी करे मन नरक, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, खर्च करो भगवान और देगा, क्यों, नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी है, नारायण को टेलीफोन नहीं करना पड़ता, अरे नारायण को ट्रंक कॉल नहीं करनी पड़ती, नहीं ए भोली बारी डबल रोटी, नारायण को कोई पत्र नहीं लिखना पड़ता बेरंग के, लक्ष्मी मैं तुझे याद कर रहा हूँ जल्दी आ जाओ, तो चरणों में बैठी है, इसलिए जब भी कोई मंदिर बनता है तो देख लो आपका नाम पहले लिया जाता है, किसका, लक्ष्मी नारायण, कभी सुना नारायण लक्ष्मी, हाय हाय हाय, कभी सुना आपने किसी मंदिर का नाम नारायण लक्ष्मी हो, क्या रखा जाता है नाम, लक्ष्मी नारायण, जब भी हम किसी के चरणों को देखेंगे तो पहले लक्ष्मी नजर आती है, खर्च करो, सच्चाई से कह रहा हूं, बरकत पड़े अधिक कमाई में, लेकिन खर्च जरूरी आती है जिंदगी में, हर कोई अधिकारी नजर आता है दे दो, कोई लूला कोई लंगड़ा कोई विकलांग कोई और ऐसा नजर आता है विच सी दैट दी बॉय इज डिजर्विंग दी मैन इज डिजर्विंग, तो जो उसके दिल से दुआएं निकलेगी उतनी कितनी बरकत पड़ जाती है आपकी, कितनी दुआएं दिल से निकली दुआ असर रखती है, आओ मेरे बच्चों आओ, गीता का ज्ञान समझ लीजिएगा, आज मुझसे यही कहा गया थोड़े रूप में मैं सार बता दूं, सुनो भगवान जी के उपदेश के, क्योंकि इतना तो आपके पास टाइम नहीं कि आप रिसर्च करें गीता जी की, गीता का ज्ञान के लिए तो भगवान ने खुद कहा ये इल्मे सही गए, ये तो रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज, गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज, इससे बढ़ के कोई सीक्रेट नहीं हो सकता, सुना, अरे सुना, और इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं हो सकता, इसी नामे ध्याय में कहा मेरे भगवान ने गीता का है ये रॉयल सीक्रेट और रॉयल नॉलेज, और खुद भगवान जी कहती है नहीं चाहे जहां में कोई ज्ञान की करे पाप सूत्र जो इंसान की, इससे बढ़ के कोई साधन नहीं है हमारे अंतःकरण को निर्मल विमल एवं स्वच्छ करने के लिए, सुनो ओ नेक जीवो ओ नेक मेरी कल्याण कामी देवी हो, तो गीता में आज सार बता रहा हूँ, मलाई दे रहा हूँ आपको गीता जी की, जैसे मानो 18 किलो दूध हो हाँ तो मलाई आ जाती है, 18 अध्याय है, तो जो मैं आज दे रहा हूँ ये गीता की क्रीम है, ये गीता की मलाई है, भगवान जी कहती है तो मैं शुरू कर देता हूँ और जितना समय में इसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा, ध्यान से सुनिए, क्या उपदेश क्या से शुरू होता है, शरीर में दो तत्व है, सुनो मेरी ओर देखो नीचे मुंह ना कर, वो घाटे में रहेगा कमलिया, देखी मेरी ओर देख मेरी ओर, हाँ बाबा एकाग्र हूँ, भगवान कहते ये दो तत्व मिले पड़े सारी प्रकृति के अंदर, मारो काट अपने को देखे हम, जो हमारे बिल्कुल निकटतम अलाइनमेंट से डीरेस्ट और नियरेस्ट है आवर ओन बॉडी, इसमें दो तत्व है, दो तत्व जैसे कि खिचड़ी, खिचड़ी में कुछ चार तत्व होती है, दो दाल और चावल, बिल्कुल इसमें भी दो तत्व है, जड़ और चेतन, मैटर प्लस एनर्जी, वो सुनो पढ़े लिखे आपको पढ़ा लिखा कोई मिले है, मैं धन्य जात की तरह किस जंगल से कोई नहीं आ गया हाल बांधा, फिर यूनिवर्सिटी से आया हूं आप ही की तरह, भगवान जैसी जनता होती है बताने समझाने वाला भी शुरू से अब तक वैसा ही देखती है, जैसे आप वैसा मैं, जहां से आप निकल के आए मैं भी कोई घर से नहीं आया, मैं भी वहीं से आया बच्चे, फर्क कितना है, एक ने अपने जीवन का उद्देश्य कुछ और बनाया, आपने कुछ और बनाया, लेकिन जीवन को देश हम सबका तो एक है, चार दिन आराम से काटे, चार दिन हम प्रेम से काट जाए, तो जरा गौर से सुन लो, आप ही के शब्दों में आप ही की तरह समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, भगवान का ज्ञान तो वही है जो मुझे समझाना है, हाँ बोतलें अलग अलग होती हैं, दूध वही होता है,
हाँ, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। उपदेश तो मेरे मालिक को वही है, अगर हम इस तरीके से एक न्यू स्टाइल से समझाना होता है ताकि आप जल्दी पिकअप कर ले, मेरे बेटे जल्दी ग्रहण कर ले, उपदेश जल्द शुरू होता है। भगवान ने ये दो तत्व बनाया हर जगह, अपनी श्री को देखे जड़ और चेतन, इसे इंग्लिश में कहिएगा मैटर और एनर्जी। जड़ जड़ चीजें क्या होती है, जो अपने आप में कुछ न कर सके। मैटर अपने आप में कुछ नहीं करता, जैसे मेरे सिर पर पंखा चल रहा है, आप देख रहे सीलिंग फैन, हाँ अपने आप में कुछ नहीं करता, तीन ब्लेड है लोहे के। अच्छा पीछे एक बॉडी है छोटी सी, बस अपने आप में ये घूम नहीं सकता और घूम के हवा आपको नहीं दे सकता जी। इसमें करंट है, उसको चेतन कहती है, उसको एनर्जी कहती है। जिस जगह भी देखेंगे टाइम थोड़ा में मैं जल्दी जल्दी कुछ क्रीम या मलाई ले जाऊं जूता की, जाने इसकी तरह हमने जिंदगी काटती है। हर जगह शरीर क्या है, जड़, इसमें कोई ताकत नहीं। कभी तो कोई डेड बॉडी देखी होगी, कभी तो बच्चे कोई आप देखा होगा शव, बोलते बच्चे शव, शव पूरा वाह, क्या मैंने मुर्दा, क्या मैंने डेड बॉडी, हाँ देखिए आपने एड़ी से चोटी तक आपने देखा है क्या, जैसे फिर पड़ा जैसे हाथ में पड़े, सारा शरीर अकड़ा गया, जिसे हम कहेंगे पथरा गया, सारे शरीर नख से शिख तक अकड़ा पड़ा। इसमें क्या हुआ, सिर्फ चेतन निकल गया। जैसे अभी मैं इनको आगे दूर के पंखे को बंद कर दो तो बटन ऑफ हो जाएगा, तो क्या होगा, करंट ऑफ होनी है, आपकी ब्लेड और आपकी बॉडी तो आपको दिखाई देगी। ओनली दी करंट गॉन, ओनली दी करंट गॉन। इसी तरह जब कोई हमारे पिताजी या माता जी या कोई भी हमारे बुजुर्ग हाथी छोड़ती है, शरीर थोड़ा छोड़ती है, क्या आपको इसको छोड़ जाती है, आत्म तो शक्ति छोड़ दो, शक्ति इसको चला रही थी। बिल्कुल क्लियर, ये बात उस वक्त साबित होती है जब किसी को हम देखें श्री छोड़े हुए को। इसमें क्या है, ये सब पथरा गया, क्या चीज निकल गई, भगवान की दैवी शक्ति निकल गई। यू कैन सी डिवाइन एनर्जी, यू कैन से डिवाइन पावर, वो चली गई, श्री तो कुछ नहीं। इसी तरह हर जगह एक वृक्ष बिल्कुल कुमला गया, डिवाइन शक्ति निकल गई, नीचे से ऊपर तक कुमला जाता, एक एक पत्ता कुमला गया, एक एक टहनी, एक एक पत्ता, बूर फूल अल एवरी पार्ट ऑफ दी ट्री आप देखती है तो कुमला गया। इससे शरीर बिल्कुल पीला हो जाता है जब आत्मा निकल जाती है, जैसे किसी ने हल्दी लगा दी हो और कितनी बेर रौनक हो जाता है, यू नो बेटर। तो भगवान कहते जरा एकांत में बैठकर विचार को, गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान, कि जड़ अपने आप में कुछ नहीं, भगवान की शक्ति से चला रही है। अच्छा भगवान की शक्ति से चला, एक एक अंग प्रत्यंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो आंतरिक अंग हो मेरी देवी हो मेरे समझ लो, चाहे बाही हो, भगवान की चलाती है, भगवान जब शक्ति चला रही है। और भगवान तो सर्वव्यापी है, हाँ उसका प्रतिबिंब जरा ध्यान दीजिए, भगवान करे कभी आप एकाग्र होकर के प्रातः काल जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप भी उनको करें। ये दो भ्रूवे मेरे ध्यान से देख लीजिएगा, ये दो भ्रूवे आईब्रोज, ये जब आप ध्यान लगाएंगे भगवान करे ठीक लग जाए और इर्द से मन निकल जाए और केवल उसी अपने स्टे में लग जाए तो देह से परे हट जाते हम, और वो वृत्ति जो परे हटी है वही जो विचार एकाग्र हुआ थोड़े करके फिर बुद्धि में निकल जाता है। बुद्धि पर फिर आपने जोर मारा, ये है मेरे भगवान की चमक, नमक, तेज और अमर ज्योति, ये दो भ्रूव के रूप में। अगर कोई कुछ कहे तो बकवास समझना कि वो बकवास कर रहा है, मैं आपको ठोस बात बता रहा हूं। भगवान का रिफ्लेक्शन कहां है दो भ्रूवों के बीच में। अगर कोई आपको यहां कहता है सुनजी बकवास कर रहा है, मैं आपको ठोस रूप में कह रहा हूं, हर अपनी बच्ची को ठोस रूप में बता रहा हूं। इसी में कहा जाता है निगाहें ना फटके इधर और उधर, सरो पुष्ट गर्दन झुकाए ना वो, छठे धैमी में बैठने का तरीका बताया है, हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू अप्रोच, उस शक्ति की अप्रोच कैसे करें जो शरीर को चला रही है।
तो वो एक महाशक्ति भगवान जी की, लेकिन इट इज मियर रिफ्लेक्शन। देखिए ये केवल छाया है, भगवान का प्रतिबिंब है, सर्वव्यापी भगवान का वो टुकड़ा नहीं है। जो टुकड़े कहते हैं आपको बिल्कुल भ्रांति में डालते हैं, भगवान की शक्ति के टुकड़े नहीं होते, उसकी छाया पड़ती है। जैसे सूर्य के टुकड़े कोई नहीं होगा, अगर पानी से भरे हुए टब में दिखाई देता है तो उसका रिफ्लेक्शन है, और उसी के रिफ्लेक्शन के कारण से पानी गर्म भी हो गया है, और तो और बुखारा मान के पानी उड़ भी जाता है। भाई भाई भाई, अब उसी को अनुभव कर, वो इसको चला रहा है। शाबाश, अब वो क्या, वो क्या, वो आनंद का घर है। दुनिया उसमें जाते कितना आनंद, कितनी शांति। जैसे पानी तो पानी है, लेकिन जब जम जाता है तो वो कितने उसमें ठंडक है। वही पानी आपके घर में फ्रिज बड़ी है, हाँ, जो ऊपर वाला फ्रीजर है, और उसमें कोई भी लिक्विड चीज आप रख देती है, कुछ घंटे बाद आप देखती है बिल्कुल बर्फ बन जाती है। वो पर हाथ रखना आपके लिए मुश्किल हो जाए, रखना भी नहीं चाहिए, नुकसान होता है। कितना ठंडा हो गया, बर्फ हो गया। हाँ, इतने भगवान की शक्ति का है आनंद का घर। आनंद ये कब मिलती है, जब हमारे संकल्प विकल्प बंद हो जाए, जब हम शांत हो जाए, भटके नहीं, बेचैन ना हो, बेकरार ना हो, तो ये अवस्था कौन प्राप्त करता है बाबा, भगवान के सिंह। हाँ, कौन, जो केवल भगवान का चिंतन करता है। प्रभु का नियम ये है कि आप जिसका चिंतन करेंगे, ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जिसका बार बार चिंतन करते हैं वो वस्तु आपको मिल जाती है। लगाई थी लौ जिससे हासिल हो, टाइम एंड अगेन यू विल थिंक ओवर दैट, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, वो वस्तु आपको मिलने वाली है। वो मिली, गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो तो गीता कृष्ण के साथ रहता है क्या, उस चेतन का चिंतन करो, जड़ का नहीं, जड़ तो शमशान की ओर जा रहा है। ओ मेरी भगवती, एक एक दिन जड़ आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और एक विशेष काम अपना पूरा कर जिसके लिए मैं और आप आए हैं। वो विशेष काम दिन प्रतिदिन पूरा होता जा रहा है। जब सारा हो जाएगा कोई बहाना बनेगा, हाँ आश्चर्य, गिर जाए, क्या मतलब, गिरने का मतलब आत्मा निकल जाएगी, वो दिव्य शक्ति इसको छोड़ देगी, या यूं कहिए वो छाया पड़ेगा ही इसके ऊपर, दिन पूरे हो गए। वो आनंद का घर है, तो भगवान कहते उसी के चिंतन कीजिएगा। शरीर से जो जरूरी कर्म है वो तो हम करेंगे, लेकिन उसको नहीं भुलाएंगे। शरीर से कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भुला नहीं रहे, जैसे दिन में आप कर्म करते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट है, पढ़ाई को नहीं भुलाते। हाँ, आपकी मंगनी हो गई, आप अपने ससुराल को नहीं बुलाते, मैं जा रही हूँ, अब हर कितने काम घर के कर रही हूँ, लेकिन वेयर अबाउट योर माइंड, कपड़े धो रही हो, रसोई में रोटियां पका रही हो, परोठे बना रही हो, सफाई कर रही हो, स्टील के बर्तन है वो जरा कोई दाग लग गया उनको मिटा रही हो, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज इन दी हाउस, आप कर भी रहे, ध्यान कहाँ मेरे चला जाना, मेरी मंगनी हो गई है। वो एक ऑफिसर है, हाँ, उनके पास नवी नवी कार है, हाँ, मैं भी बैठूंगी, बर्तन मांज रही है मां जी भी जो है, फिर मैं भी बैठू, तो मन तुम्हारा कहाँ है, वो चिंतन में। इसी प्रकार यूं अपना आप किसी कल्याण कर जाना है, मन क्या होता है, भगवान की चिंतन। मेरे प्रभु आनंद के घर है, मेरे प्रभु संसार बनाने वाले हैं, मेरे प्रभु इस मेरे शरीर की जान है, प्राण है, मेरे प्रभु मुझे कह रही है, मैं ही तेरे दम में मेरी ताकत से, तू क्या करता है, जरूर और बरू दम में आता हूँ मैं। ये जो हम दम लेते हैं छोड़ते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, जिसे प्राण अपान है, ये सांस अंदर गया, अंदर के अंगों को छू के बाहर निकला, अंदर गया तो ऑक्सीजन कहलाती है, बाहर निकलते तो कार्बन डाइऑक्साइड। अपनी भाषा में प्राण जो अंदर जो प्राण जो बाहर निकला गंदी हवा, उसे बोलते हैं अपान। अपने शब्द याद कर लो बेटी, जो अंदर गया वो प्राण, और जो गंदी हवा बाहर निकली वो अपान। अंग्रेजी में वो ऑक्सीजन जो अंदर गई शुद्ध वायु, जो बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड गंदी हवा होती है, वो सेहत के लिए शुभ नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड हम सारे निकाल रहे हैं, वृक्षों की खुराक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम गंदी हवा कह रही है वो इनकी खुराक है, और ये ऑक्सीजन छोड़ रही है, हमारे बहन भाई है, हमारे रिलेटिव है। गंदी कहते तुम हमें दिए जाओ, हाँ हम तुम्हें शुद्ध वायु देती है। जितनी भी आपका बृहस्पति वर्ग है आपको ऑक्सीजन देता है, पता है कि नहीं, जितनी बृहस्पति वर्ग, जितने वृक्ष है,
लेकिन 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 क्या पीपल का वृक्ष है जो आपको दिन रात क्या देता है? ऑक्सीजन दिन रात, लेकिन रात को ये उल्ट हो जाती है। इस वक्त तो ये ऑक्सीजन दे रही है, रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इसलिए कहा जाता है पीपल को छोड़कर किसी वृक्ष के नीचे न सोना। कोई गलती कर रहा हो तो हट जाओ परे, रात को ये जहर देती है। हाँ, जैसे चंद्रमा बिल्कुल ठंडक और उसके मुकाबले में सूर्य बिल्कुल ज्वाला, इस तरह भगवान जी का है अनंत के घर। तो अगर अपने काम करते भगवान फरमा रहे हैं गीता जी के अंदर, लेकिन चिंतन में भगवान जी है। तो जिसका सुन लो ध्यान से, मैं गीता जी के सार बता रहा हूँ, जिसको बार बार याद किया जाए ना उनके गुण दोष की आ जाती है। अगर काट सकते हो काट लो, काट सकती है बेटी काट ले, जिसका बार बार चिंतन कर रही है हाँ उसके गुण दोष भी आएंगे, लेकिन भगवान में गुण ही गुण है, दोष रही कोई नहीं। संसारी आदमी में होता है, जब पिताजी हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो या देवी देवता हो, उनमें गुण भी होंगे दोष भी होंगे, किसी में गुण ज्यादा किसी में दोष ज्यादा। लेकिन अगर जिसका चिंतन करेंगे ये हो नहीं सकता उसकी शक्ल शक्ल आ रही हो, शक्ल नहीं उसकी अकल भी आ रही होगी, शक्ल के साथ अकल और अकल के साथ शक्ल। और भगवान को जब चिंतन करते हो मेरी अच्छी देवी हो मेरे सजनो, तो उनको तो गुण याद आने है। तो जिसका बार बार याद किया जाए वो हमारे मन में बात करता है। मेरे गुरुदेव ने कहा था जिसको याद करते हो सलेट लो हाथ में, ये सलेट, ये सलेटी, हाँ आप लकीर लगाओ सलेट के ऊपर, ये लगाई, फिर लगाइए इसी के ऊपर, ये लगाई, फिर लगाइए उसी पर जिस पर लकीर लगाइए, दोबारा तुम्हारा चौथी बार पांचवी बार लगाइए, अब ये मिटेगी नहीं, ये स्लेट के अंदर ढक गई। देखो ना, स्लेट के एक ही स्थान पर मैं बार बार लकीर लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ, वंस ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम फाइव टाइम सिक्स टाइम, अब क्या होगा वो लकीर अंदर ढक गई। इस तरह जिसका आप चिंतन बार 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 कर रही है वो गुण आपके अंदर ढकता जा रहा है। हाय 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 हाय, वो गीता हिंदुस्तान में पैदा होकर के भी हमने इस गुण को नहीं जाना। अरे गीता के पुजारी बनते भगवान जी को अपने स्टेज समझते, ये रास की बातें पता लगती, ये तो हमें पता ही नहीं कि जिसका चिंतन किया जा रहा है वो उसके गुण या दोष हमारे अंदर जा रहे हैं। तो वर्ल्डली सेंस में है, लेकिन भगवान की सेंस में वो गुण आपने आ जाएंगे, आप सत्य पुजारी बन जाएंगे। भगवान ने तीन गुण तो मुख्य है, सत चित आनंद। ये आजकल मेरी बेटियां गाने लग गई है, सत्यम शिवम सुंदरम, अजमा के देख लो। बाबा एक फिर कहे जिसका चिंतन आप बार बार कर रही है, अगर वो संसारी है उसके गुण भी आपके पास आएंगे, दोष भी आएंगे। और अगर सृष्टि बनाने वाला परमात्मा है हाँ, तो गुण ही गुण आप में भर जाएंगे। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, ये परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा का अटल नियम, मेरी भगवती वो गुण आप में आते जाएंगे। तो वो गुरु के आने से क्या होता है, क्या होगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। वाह वाह वाह, अंतःकरण बिल्कुल जो है प्योरिफिकेशन में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, खुद अनुभव कर लेना, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा, पर एक बार आप पक्का रहता करो, अनुभव करो कि मेरे केवल भगवान के चित्र करें, बाकी काम करो। ये गीता का सार है, क्या ये गीता जी का सार, सदा मेरा पेहम जी से मिलना मेरा उसको आसान है। आप करके देखो, मैं तो आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तो आपको सार बताया जा रहा हूँ। नंबर दो जो गीता का ज्ञान है, पहले चिंतन में भगवान जी आ जाए, चिंतन में बाकी हटाओ, पत्नी बीमार है इलाज कर लो, चिंता ना करो मेरी पत्नी क्या बने, आप मार खा लोगे, फिर मेरे पति ने इलाज करो, रात जागो, सेवा करो, दवाई दो उसकी, और जो से होती है यू ट्राई योर बेस्ट, चिंतन ना करो, चिंतन में भगवान जी। अच्छा नंबर दो, हमारे शरीर ऐसे रब ने बनाया है कि ये निठल्ला नहीं बैठ सकता, कैन सिट, इसे कुछ करना है। हाँ तो भगवान जी ने एक पाठ दे दिया, ज्ञान दे दिया, क्या, केवल कर्म करते रहो उसका फल मत चाहो। अगर आप फल चाहेंगे मन में बिचैरी बेकरारी हो जाएगी, मन में भगवान का चिंतन छूट जाएगा, मन में गुण आने बंद हो जाएंगे। आए 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 आए, एक्सपोज योर माइंड। हम अपने मन को बंद कर लेते हैं जब किसी के, मैं ये कर्म कर रहा हूं मुझे ये मिलना चाहिए,
और जो भगवान की गुण आ रहे थे, जो भगवान की मेमोरी आ रही थी खत्म, वो सुनो नेक जीवो, वो भी गीता का सार ले लो, जीवन के चार दिन बाकी से लेके बड़े आराम से काटोगे। दूसरा उपदेश, कर्म करो, आप पढ़ रही हो ना, मेरी मेरी 80% नंबर आए, मेहनत करो, बार बार ये मत करो 80% नंबर आए, मेरी ये पाए, छोड़ पर मेरा अच्छे पति हो, मुझे अच्छा घर बार मिले, छोड़ पड़े, पहले बनी प्रारब्ध पाते बने शरीर, जो पति मिलना जो घर मिलना भगवान ने पहले निश्चित कर दिया, इसके बारे में मत सोचो, भगवान रोकते हैं, कर्म करते जाओ लेकिन फल पर मत नजर मारो, वरना मन भी चैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, दिन में पूरी भूख नहीं लगेगी, आप खोए खोए रहेंगे, अगर फल पर ना अगर चीज मिली तो, मैं पास ना हुआ तो, बिजनेस में मैंने 8 लाख रुपया लगाया, 4 लाख बैंक से उधार लिया, अगर इसमें नफा ना हुआ तो मैं तो कहीं कर नहीं रहूंगा, अच्छा घराना ना मिला तो मैं फिर क्या बन गया, इधर घर में भाभियां वो नहीं कदर करके वापस आ गई तो उधर ना रब्बा ना ना ऐसा न करी मेरे रब्बा, ये दिल ना दिखाई। देखो जरा फल पर नजर मारने से आप बिल्कुल अबनॉर्मल हो गई। इसलिए भगवान का दूसरा उपदेश है, तुझे काम करना गए ओ मर्दे कार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार, कर्म लिए अधिकारा पे माफ ले चुको दातन, केवल कर्म करने का मुझे और आपको भगवान ने अधिकार दिया है, नॉट टू थिंक ओवर इट्स रिजल्ट। और भूल गए हम लोग और जलील हो गए, हुआ वही जो हमारे मुकद्दर में था, पर हम सोच सोच के ऐसे मर गए, ऐसी फिर पीछे सोच 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 के कांटे हो गई, हुआ क्या जो पहले प्रारब्ध में था, वो तो पहले होना था लेकिन हमने चिंता की पता नहीं क्या बनेगा, बीमारी लगी पड़ी कोई बात नहीं, इतना इलाज हो रहा है, पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा, अगर मेरे भगवान बलि करे कितना अच्छी, और जल्दी राजी जाती, पता नहीं क्या हो गया, पेट में गोला हो गया, गोला बढ़ना, मैंने नहीं ऑपरेशन करा, मैं ऑपरेशन के नाम से भी क्यों डरती हूँ, पर जमदी उधर भगवान का चिंतन होना चाहिए था, इधर इलाज हो रहा है, जो तेरी इच्छा प्रभु तेरी तो आप भी बने हुए थे, कितना मन शांत आनंदित, और उधर चिंतन होता रहता प्रभु का और गुण प्रवेश करते रहती, हम कितने बुद्धू हैं, इस राज को नहीं जाना, इस राज को हमें पता नहीं लगा, अच्छा कारोबार कीजिए सोचो बात इसके बारे में, पढ़ाई कीजिए रिजल्ट के बारे में सोचो, बीमारी का इलाज कीजिए लेकिन बीमारी के रिजल्ट के ऊपर जंप ना करो, हाँ लड़की जवान है आपकी, घर ढूंढिए, मेरे से पूछिए, उससे पूछो दीदी आपकी वाकफियत है, यू कैन ट्राई योर बेस्ट, लेकिन ओवर एज होती जा रही है, मेरी बच्ची गवार, ये लानत है, फिर भगवान का चिंतन बंद, एंड यू विल सफर लाइक एनीथिंग, और सफर हम करना नहीं चाहते, हम विचार करना चाहते, तो भगवान कहते खबरदार ये नुकता पक्का कर लो, मुझे कर्म करना है, फल पर मेरा बात नहीं है, फल जाने मेरे प्रभु, जाने उनका काम, मैं इलाज करवा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं लड़की का योग्य वर पूछताछ कर रही हूँ, आगे जो होगा हो जाएगा सबका। दूसरा उपदेश भगवान जी का, पहला उपदेश के चेतन के बारे में सोचो, जड़ के बारे में, मुर्दा के बारे में नहीं, शरीर के बारे में नहीं, जो इसमें शक्ति है भगवान के बारे में, ताकि उनके गुण आते जाए, आप निर्मल होते जाए और शांति के योग्य हो जाए। अच्छा दूसरा, हमने दिन से सवेरे से लेकर शाम तक कर्म करना है और थक के बिस्तर में चला जाना है, लेकर कर्म करते हुए क्या फल पर नहीं, इतना धन मिलेगा जो मिलना होगा मिल जाएगा, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जितने नंबर आने होंगे आगे, मैं पापी ओर से मेहनत कर रहा हूँ, इलाज मैं कर रही हूँ, जो कुछ होना होगा देखी जाएगी, अच्छा कोई बड़े भगवान प्रसन्न होते हैं, और आपको साथ ही साथ खुशी मिलेगी, साथ साथ भगवान का चिंतन होता रहेगा, अच्छा जी। भगवान जी का तीसरा उपदेश, ध्यान देता गीता का सार क्या है, गीता का लुपे लुबाब क्या है, क्या मुझे अकर्म करना है, कर्म नहीं, क्या कर्म अकर्म, ये भगवान का बड़ा अच्छा उपदेश है, क्या मुझे अहंकार में कर्म नहीं करना, कामना रख के कर्म नहीं करना, मेरा कर्तव्य है घर के अंदर, मेरी माँ है, मेरे पिता, मेरी बहन है, भाई है, मैं शौक से शादी की है, शौक से मेरे बच्चे है, हाँ तो मैंने अपने कर्म कर दिया, भगवान के नाम पर जो मेरे कर्तव्य कर्म है, जो मेरी ऑब्लिगेटिव ड्यूटीज है, मैंने बजा लानी है, हाँ भगवान मुझे ताकत दे रहे, बुद्धि में ताकत किनकी भगवान की, मन में ताकत किनकी भगवान की, और शरीर में शक्ति किसकी है भगवान की, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शक्ति प्रदान करने वाले तो मेरी स्टेट भी है,
यथा मति यथा शक्ति मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं जुट रहा हूं, लग रहा हूं। इसको भगवान अकर्म बोलते, कर्म में अकर्म है। सहारा किसी का न ले, एक पल अमल उसका है। कर्म करता हूं अभी वो नहीं कर रहा जिसके मन में कोई चिंता नहीं, केवल अपना फर्ज पूरा कर रहा है। वो भगवान कहते हैं कर्म करते हुए व्हाइल डूइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग बट नॉट डूइंग, क्योंकि बेचैनी नहीं, मन में बेकरारी नहीं है, केवल अपने कर्तव्य पर नजर है, अपने कर्तव्य को जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, उसे संपन्न कर रही है, लेकिन मन बिल्कुल शांत, छाती बिल्कुल ठंडी, अंदर बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं। हाय 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 भगवान कहते हैं ऐसा जीव बड़ी जल्दी कल्याण के काबिल हो जाएगा। कर्म में अकर्म, ये बड़े राज की बात है, जो आप अगर अपनाने लगे जाएंगे तो मेरे भगवान आप पर कृपा कर देंगे। शब्द मैंने बता दिए, कर्म में अकर्म, डूइंग बट नॉट डूइंग, डूइंग नॉट डूइंग, क्योंकि बेचैन नहीं, बेकरार नहीं, अपने आप में शांत है, अपने फर्ज की अदायगी हो रही है। हाय कुर्बान हो कुर्बान हो कुर्बान, कुर्बान में कुर्बान, शाबाश 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 शाबाश, अपने आप को जिताए जा रहे हैं, अपने आप को लगाए जा रहे हैं। अच्छा, जितना उनसे मन पड़ता है अपने आप को उसके में अंदर खपाए जा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नंबर चार, जो भी आप में कमियां है देखो अपने अंदर, इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। बेटी आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना, अपने आप को टटोलना। जैसे मैं देखूं, मेरी जेब में एक रुमाल है, ये 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 पेन है, ये घड़ी है, इधर 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 भी चाबी में गुच्छा है कमरे का, ये मैं एक एक चीज देख रहा हूँ। इस तरह से आपके अंदर गोता मारो, मेरे अंदर कमजोरी कौन सी है, क्या काम की वृत्ति ज्यादा है, क्या क्रोध की वृत्ति ज्यादा है, या कोई लोभ, या हाँ उस वृत्ति को मैं निकालने की चेष्टा करूं। भगवान की शक्ति वो निकले तो जो बाकी कमजोरी है वो भी निकलेगी। अब कुर्बान 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 है, उधर ध्यान दीजिए और निकालो। जो भी आप में अधिक है, ज्यादा है, निकालो उसको, बाकी निकल जाएगी। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा जब ये गंदी वृत्तियां निकल जाती है। जैसे फोड़ा फोड़ा बड़ा हो गया, उसमें पीक पड़ गई, हाँ दर्द होती है, न मैं सोता हूँ न घर वालों को सोने देता हूँ, सारा दिन आया करते रहते हो, आखिर पिताजी ने मारा थप्पड़, अब नहीं मैं आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, क्यों मैं चेहरा दिखाऊंगा, ले गया मुझे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेरे मास्क को सुलाने के लिए टीका मार दिया, हाँ उसके बाद उन्होंने चीरा दे दिया। तो चीरे में क्या मतलब होता है, जो गंदा खून पीक, जो अच्छा खून पाक बन गई थी निकल गया, और जो उभरी हुई जगह थी वो सारी साथ मिल गई। अब एक बार तो जो कुछ हुआ अब मैं आराम आ गया। इसी तरह गंदी वृत्तियां जब इंसान की निकल जाती है तो दिल को टिक जाता है। और ये भगवान कहते कब करना गए, मरने से पहले, न छोड़ा अभी जिसने तन का काम, जिसने अभी शरीर को नहीं छोड़ा लेकर इन नेगेटिव क्वालिटीज को निकाल दिया, उसको मेरे भगवान कहते हैं वो कल्याण के योग है, शांति के योग है। और क्या 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 कहा, क्या 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 कहा, सुनो सुनो क्या कहा, क्या कहा, हाँ वो आवागमन में चक्कर मिल जाएगा, वो मुक्ति का योग है। असीरे बदन रह के आजाद गए, इनका वो योगी है दिल शांत। थोड़ा सार मैंने बताया कि बहुत ही सार रूप में, अब इस तरह की जिंदगी का बना हमने तो जिंदगी और काटी, कामी बन गए, क्रोधी बन गए, वो ही बन गए, लोभी बन के, सुंदर बन के रही, मुझे कोई प्यार करता रहे, मुझे बिल्कुल उल्ट विचार, अपने में अट्रैक्शन पैदा की, गंदी मंदे बन गए, ये कपड़े पहन गए, कर वो कर, क्वाइट रिवर्स। भगवान ने कुछ कहा और हम कुछ मान रहे, शरीर को सब कुछ समझी बैठे थे, श्रीमान को समझा, धन को सब कुछ समझा, तेरे को सजाती रही मैं मर जानी, मैं धनिक पैदा करता रहा, क्या इम्प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करके, फॉल मीन्स अडॉप्ट करके मैं धन को कमाता रहा, इसका परिणाम परिणाम बहुत दुख हुआ, बेचैनी हुई, बेकरारी हुई। तो अब अगर भगवान जी के अनुसार रहा जाए तो भगवान किसी कितनी शांत होता है। मैं आखिर में कहूँ, अगर इस तरीके से रहे, अब भी जो आयु रह गई है, लोक भी बन गया, पर लोक हमारी दोनों बढ़ जाती है, वरना भगवान
भगवान ने गीता जी में एक जगह क्रोध किया है, भला मानो या बुरा मानो, ये दुनिया का उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहां से मारा जाता है अर्जुन। प्रभु कौन? जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार नहीं जुट रहा तबाही में जाएगा। आपके भगवान कह रहे मेरी याद करवाना है, अपनाने की मैं कोई कसर अपनी ओर से नहीं छोड़ रहा। भगवान कह रहे मेरा प्रभाव आप सब पे पड़े, सब अपनी माताओं बेटियों पर मेरा प्रभाव पड़े, आप ही अपनाने में कोई कसर न छोड़ो। इसी में शांति, चार दिन आराम से कट के चले जाएंगे, वरना रो पिट तो रहेंगे, वो तो कोई बात नहीं, पर ये रोना पिटना खत्म हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, बेकरारी खत्म हो जाए। कैसे? भगवान के उपदेश से, जो भगवान जी बता रहे हैं वो देखो। मैं अखीर में कह रहा हूँ, भगवान ने सारा उपदेश दे दिया, 18वें अध्याय में चमक रहा है ध्रुव तारे की तरह। भगवान का उपदेश नहीं, दैवी विधान नहीं, अटल नियम बनाया हुआ रब का, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। ये आपके प्रभु कह रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों रोगों से छूट जाएगा। कब? जब मैंने अपने मन में अपने भगवान को बसा लिया। भगवान जी, केवल भगवान जी, केवल भगवान, बाकी सब नेगेटिव क्वालिटीज गो बैक डाउन। सब बच्चे जो कारण वित्तीय थी क्या हो गई, गश्ती गश्ता गठन थी, सब की सब छुट्टी। अंतकरण निर्मल विमल और स्वच्छ, ऐसे जी जिंदगी में शांति से रहती है और शांति से ये संसार को छोड़ जाती है। यही गीता का सार है, हैप्पी टू लिव हैप्पी टू लीव, टू लिव हैप्पीली टू लीव हैप्पीली। बहुत अच्छा उपदेश है, यदि आप अपनाने में शौक दिखाए तो। यदि मेरी उपस्थित माता बेटियां अपनाने में जरा भी कसर न छोड़े, मेरे प्रभु आपकी सहायता कर रही है और भी करेंगे, उनका वचन दिया हुआ है कि मैं उनकी पूरी सहायता करता हूँ। किन की? जो करती है खालिस, जो मेरी सच्चे दिलो जान से भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति करना क्या, उनको देश को जीवन में धारना। अब हमें पता लगा, हम तो कहते हैं भक्ति बाद आधा घंटा बैठ गया राम राम जप लिया, भगवान कहते नहीं, ये सिर्फ यही भक्ति नहीं है, मन भगवान में लगा हुआ हो हाँ, और उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बनाया जा रहा, उनके ज्ञान को जीवन बनाया जा रहा, तब भगवान कहते वही है मेरा भक्त, वो मेरे बहुत प्यारा है और अपना कल्याण करके जाता है, शांति से रहता है। आपके अच्छे जीवन को देखकर कई प्रेरणा प्राप्त कर लेंगे। ओ मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, आपके आदर्श जीवन को देखकर कईयों को इंस्पायरेशन मिलेगी। हाँ, कई अच्छी बन जाएंगी, कई अच्छी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का ये नियम है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कभी। हार्दिक अच्छी। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
मन धन सब कुछ गए तेरा, सब कुछ गए तेरा, तेरा रे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला ये मेरा। हरि ओम जय जगदीश, हरे जय जगदीश, हरे सर्वे सन्तु निराया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चि दुर्भावने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आना सफल करना। इसलिए हार्दिक धन्यवाद।